आज की डेट में सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से आपको पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन आज की डेट में सभी लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स में भी हर साल करीब 15-17 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, बट इंजीनियरिंग से रिलेटेड बड़ा सवाल ये है, इंजीनियरिंग को एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह देखा जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्वियसली इट्स मास्टर्स, बट सच में मास्टर्स की रियल वर्थ है या फिर सिर्फ हाइप बना दी गई है? एक्चुअली में मास्टर डिग्री है क्या और आप कैसे उस मास्टर्स डिग्री को कर सकते, इवन क्यों आपको मास्टर डिग्री करनी चाहिए और किस वजह से ये जो मास्टर डिग्री वो आपके लिए नहीं बनी है, और एंड में किन किन लोगों को मास्टर्स की तरफ स्टेयरिंग व्हील मोड़ना चाहिए और एंड ऑफ द डे करना चाहिए। मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको करना पड़ता है। सिंपल वे में बोले तो लेट्स गो बैक टू द स्कूल डेज, जब आपकी जो क्लासेस थी 7th, 6th, 7th, 8th थी, तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता था, दैट इज साइंस। जैसे 9th, 10th में पहुंचे तो वो जो साइंस सब्जेक्ट वो डिवीजन बनता गया, दैट इज ऑन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एसेट्रा थिंग, बट बेसिकली तीन ही सब्जेक्ट चल रहे होते थे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद जब आप 12th पास आउट होते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सब्जेक्ट्स थे उनका एक स्पेसिफिक फील्ड बना दिया, जैसे लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सेट्रा को कंपाइल करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाई दी गई। तो सेम चीज़ें जा रही होती है विद द मास्टर्स, कि आप एक स्पेसिफिक नॉलेज ले रहे होते, जस्ट लाइक अटेंड आपने BBA जैसा कोर्स करके रखा या फिर समथिंग आपने इंजीनियरिंग जैसा कोर्स करके रखा, तो जस्ट लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो सर्टेन आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, ये सब एक पर्टिकुलर 12th के बेसिस पे एक चैप्टर्स थे जो कि एक सब्जेक्ट बन चुके। तो सेम विद जाएगा, जब आप मास्टर्स की तरफ जाओगे तो आपकी पर्टिकुलर डिग्री हो जाएगी फॉर द हीट एंड मास ट्रांसफर या फिर मार्केटिंग या फिर एसेट्रा थिंग। तो जितना आप स्पेशलाइजेशन जाते जाते हो उतना आप मास्टर्स के अंदर घुस रहे होते हो, और जनरली जो मास्टर कोर्स है वो 2 ईयर्स का होता है। अगर आप MBA हो गए या फिर अदर नॉन टेक वाले कोर्सेज देखते हो तो वो 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, सेम विद द टेक वाले कोर्सेज, बट पूरी अथॉरिटी यहाँ पर कॉलेज के पास आती है। तो जैसे कि उनका प्रोजेक्ट अगर सबमिट नहीं होते तो जो 2 साल की जो डिग्री है वो 2.5-3 साल तक भी जा सकती है। इवन इन द IITs में ऐसा देखा जाता है कि जो 2 साल का कोर्स है अगर प्रोजेक्ट्स इतने अप टू मार्क नहीं रहते, पूरे कंप्लीशन नहीं होते असाइनमेंट्स के, तो वो डिग्री जो है इतनी पावर रहती है टीचर्स के हाथ में कि वो चाहे तो वो 2-3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मास्टर्स के बारे में जानने बस से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मास्टर्स का प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मास्टर्स का प्रोसेस से मतलब है मेरा कि हाउ यू कैन डू मास्टर्स, और इसका कोई बड़ा सा फ्लो चार्ट नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा थिंग्स करनी पड़ेगी। मास्टर्स में 2 प्रोसेस जाते हैं, दैट इज फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली, इसलिए हम सेकेंड वाले प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग कोर्सेज के अलग होते हैं, जैसे अगर आप फॉरेन से पढ़ना चाहते हो तो GMAT करके होता है, और अगर आप नॉर्मल वे में MBA करना चाहते हो तो CAT एग्जाम होता है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाना चाहते हो तो आप मास्टर्स करोगे, और जस्ट लाइक MTech वाले कोर्सेज करोगे, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करोगे, तो इन सब के लिए आपका एक और एग्जाम रहता है, दैट इज GATE, दैट इज GATE, और इन सब के एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको सीट्स मिल रही होती है, क्योंकि आपको एक कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है या फिर बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स है ये सब लीविंग द कैट वाला, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो जाती है। सेम विद जैसे आप पर्टिकुलर एग्जाम देके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते, यही प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है। हमने पहले ही बात की थी कि फर्स्ट प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट इज कि इतने सारे कॉलेजेस में अगर आप सिर्फ IITs, NITs एंड एक्सेट्रा थिंग में जाना चाहते हो तो आपको सेकेंड वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम। बट आप सिंपली बोला जाए तो नाम की डिग्री करना चाह रहे हैं या फिर आपको मास्टर्स करने वाले हो या फिर आपके इतने अच्छे परसेंटेज नहीं बन पा रहे या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे अपनी सीट नहीं लेना चाहते, देन यू कैन डू फॉर द डोनेशन वाला सीट, नॉट जस्ट फॉर द डोनेशन बट इट्स सिंपल एज कि कुछ कॉलेज जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है और बहुत अच्छे प्लेयर्स बोले जाते हैं, ब्रांड वैल्यू इनकी है, तो वो काफ़ी अच्छा डोनेशन आपसे ले रहे होंगे। बट अगर आप सिंपल बोल में जाया जाए कि आप इतना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू को नहीं देख रहे हो और सिर्फ मास्टर्स डिग्री पर जा रहे हो, कुछ कॉलेजेस जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, जो कि कैटेगरी बोला जाए तो Tier 3 में आते, ये सब आपको मास्टर्स डिग्री करा रहे होंगे, और ये सर्टेन बोले तो इतना एक्सप्लेनेशन नेटवर्क नहीं मिलेगा एंड एक्सेट्रा प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, बट यू विल बी हैविंग द मास्टर्स डिग्री इन द लास्ट। प्रोसेस थोड़े से सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड है, बट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आई यू नीड टू डू मास्टर्स या फिर मास्टर्स की क्या नीड है या फिर क्यों करते हैं मास्टर, उससे पहले आई वॉन्ट टू से सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, और अगर आपको कोई भी परेशानी है फॉर द अगर आपको मेरे को सजेशन देना है कि इस बारे में वीडियो बनाओ
सो यू कैन डू कमेंट एज वेल, बट आई वुड से कि कमेंट करने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब, क्योंकि बाकी की नोटिफिकेशन इसी वे में मिल रही होगी, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है सब्सक्रिप्शन, बट आई नो कि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी, इवन पीपल लाइक यू विल बी करेक्टिव विद दिस, डू सिंपल थिंग दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय के कमिंग बैक टू द वीडियो, तो मास्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है या फिर क्यों मास्टर्स करते हैं लोग, पर्टिकुलर इंजीनियरिंग बस का मैं एग्जांपल लूँ, जो भी व्यक्ति अपना ग्रेजुएशन बहुत ही नामची कॉलेज जस्ट लाइक टीयर वन कॉलेजेस जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रोपर, ये सब जो टीयर वन कॉलेजेस हैं इनसे कर रहे हैं, तो ये लोग मास्टर्स की तरफ इतना इंक्लाइन नहीं होते। इसके रीजंस ये रहते हैं बिकॉज दे नो कि उनका जो कॉलेज है उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा, उनके पैकेजेस अच्छे लगने, अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही उन्हें मिल चुकी है, तो दे जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि हाँ ठीक है मेरे को इतनी ज़्यादा नीड नहीं है मास्टर्स करने की, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एज वेल एज वेस्ट ऑफ मनी एज वेल। और इसमें से कुछ प्रोफेशन जो पीपल रहते हैं वो करते हैं मास्टर, और उसका रीज़न क्या रहता है वो थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट द मोस्ट ऑफ द पीपल डू मास्टर्स फ्रॉम नामची कॉलेज बिकॉज ऑफ दैट टैग, और वो टैग उन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप करता है, जस्ट लाइक जो उन कॉलेजेस के बच्चों ने बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में यूज़ किया था। एज वेल एज दीज पीपल जो कि इस टैग के पीछे जाते हैं, क्योंकि टैग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस वजह से एक इनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है बेस्ड ऑन द उन्हें मिलती है नेटवर्किंग, कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, मोस्ट टैलेंटेड वन या फिर मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल उस इंस्टीट्यूट में आ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है, और नेटवर्क बनता है तो इन्हें करियर के हर मोड़ पर बेस्ड ऑन द कलीग वाला जो फ्रेंडशिप इन्होंने बनाई थी फॉर द 2 ईयर्स ऑफ द कॉलेज, वो नेटवर्किंग इन्हें कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि इनके जो कनेक्शंस वो हर जगह जा रहे होते हैं। तो सिर्फ आप टैग देख के अगर जा रहे हो मास्टर्स में, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि आपको टैग के साथ साथ यहाँ पर नेटवर्क अच्छा मिल रहा होता है, कि प्रोफेसर से आप अच्छी नेटवर्क मिल जाती है, कि उनके कनेक्शंस मिलते हैं कहीं कहीं, एज वेल एज आपके जो कलीग्स वगैरह हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स बनते हैं उस कॉलेज में, वो सब भी मैटर कर रहे होते। तो याद है मैंने कुछ बात की थी जो वाले बच्चे भी रहते हैं, उनमें से कुछ बच्चे रहते हैं जो मास्टर्स करने चले जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि इनके पास एक ब्रांड वैल्यू पहले से थी, इनके पास हर एक चीज़ पहले से, नेटवर्क वगैरह पहले से थी, तो वाई दे वेस्ट द लॉट ऑफ मनी एज वेल एज वाई दे वेस्ट लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इनके पास एक पैशन रहता है, पैशन इन द सेंस सुरेश नाम का व्यक्ति जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड से, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इसने एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्सेट्रा थिंग्स पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, और इसको इंटरेस्ट आ गया एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसी चीज़ों पर या फिर एप्स बनाने में। नाउ वो चाहता है कि मैं थोड़ा और रिसर्च करूँ या फिर इस चीज़ पर और अपना करियर को एनहेंस करूँ या फिर मास्टर्स डिग्री हासिल करूँ, इस वजह से वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मास्टर्स भी करने पहुँच जाता है, क्योंकि दे आर द मोस्ट पैशनेट इनफ। सुरेश बहुत ज़्यादा पैशनेट था कि उसे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, और यही स्पेशलाइजेशन है इनका कॉम्बिनेशन सच इसको मास्टर्स के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट व्यक्ति था। इवन कुछ लोग रहते हैं जो कि सुरेश की तरह होते हैं, और प्लस एक उनको मास्टर्स एक्सेट्रा थिंग PhD मास्टर्स से वो एक साइंटिस्ट के तौर पर जाना चाहते हैं, तो पीपल लाइक देम वो जाते इसरो हो गया या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेस में बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, और ये सब लोग जॉब यहाँ ले लेते हैं बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट, क्योंकि आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये चीज़ रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, फ्रेंड्स की अंडर ग्रेड तो हो गए ही हो गए, आपके पास होनी चाहिए PG, आपके पास PhD एंड डिफरेंट डिग्रीज, क्योंकि आपको हर एक फील्ड का एक्सपर्टीज इसी तरह से मिल रहा होगा या फिर पर्टिकुलर फील्ड में इस तरह से एक्सपर्टीज मिल रहा होगा। बट द पीपल जो कि बहुत ज़्यादा एक बोला जाए रीज़न रहता है, इनमें से सिर्फ 10 या 20% लोग रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं इस फील्ड में, दैट इज़ द प्रोफेसर। क्योंकि सिंपल से एक केस में बताता हूँ अपने स्कूल का, कि मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरे को 8th तक इंग्लिश पढ़ाया, और वो व्यक्ति ने मुझे इंग्लिश के साथ साथ कुछ मोमेंट पर लाइफ के लेसन्स भी काफ़ी दी। इवन ही इज़ द वन जिसने बहुत अच्छे से इंग्लिश जैसी चीज़ें पढ़ाई, ही इज़ द बेस्ट टीचर आई नो, बट वो कभी भी 9th, 10th, 11th, 12th जैसी हायर क्लासेस को नहीं पढ़ाते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th इसलिए वो नहीं पढ़ा पाते थे बिकॉज उनके पास एक मास्टर्स डिग्री नहीं थी। तो आप जैसे ग्रोथ लेना चाहते हो फॉर द टीचिंग वाला करियर, तो आपके पास मास्टर्स जैसी डिग्री होनी पड़ती है। जैसे अगर आप कॉलेज में भी प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपके पास HOD जैसी पोजीशंस के लिए, दैट इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने के लिए, आपके पास मिनिमम PhD होनी ही पड़ेगी। और उसके बाद भी फिर अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, आपको प्रोफेसर बनने के लिए भी मास्टर डिग्री की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और कॉलेजेस का ये फंडा रहता है कि अगर कोई व्यक्ति BTech जैसी चीज़ें पढ़ा रहा है फॉर द
पीपल अगर कोई इंजीनियरिंग जैसी चीज पढ़ा रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्स को, तो वो खुद व्यक्ति मास्टर्स होना पड़ेगा तभी वो एक टाइप का एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। सो मास्टर्स करने का सबसे बड़ा मोटिव ज्यादातर लोगों का ये रहता है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, जो कि 2 से 3 साल ले रही होती है और वो बहुत ज्यादा घेर रहे होते हैं। इस वजह से वो जितना गैप आता है उसको कवर अप करने के लिए वो मास्टर्स कर लेते हैं कि ठीक है मास्टर्स कर लेंगे तो जो हमारे पर्टिकुलर इतने साल हमने 1 साल हो गए 2 साल हो गए वो हमने चीज़ वेस्ट करी है एक टाइप की, वो कवर अप हो जाती है क्योंकि उनकी एक नए फेस ऑफ लाइफ शुरू हो जाते हैं कि हाँ वी आर डूइंग द मास्टर्स डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन करी। इस वजह से हमारा ये गैप आया और उन्हें कोई कंपनीज को कोई मतलब नहीं रहता बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट कि आपने क्या किया उस समय, क्योंकि आपके पास मास्टर्स डिग्री आ जाती है जो कि आपने कवर अप कर लिया। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, ये मत सोचना कि मास्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। There is a simplicity जो कि सबसे ज़्यादा मास्टर्स में बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करती है, दैट इज़ आपका फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मास्टर्स ऐसा नहीं है हर व्यक्ति बिल्कुल मतलब सिंपल कॉलेज से करने का एक एम रखता है, एवरीवन ट्राई कि बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल जाए, और वो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज एक फाइनेंशियल बर्डन देती है बिकॉज IIMs जैसे इंस्टीट्यूट जो कि MBA ऑफर करते हैं वो चार्ज करते 20-25 lakhs पर कोर्स, क्योंकि MBA का कोर्स 2 साल का रहता है तो 2 साल में करीब 25 लाख की फीस लग जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस है तो ही आप अफोर्ड कर सकते हैं, या तो आपको एडुकेशन लोन लेना पड़ता है। जस्ट लाइक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा होता है बच्चों को, वो चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। यहाँ पर कमिटमेंट हो रहा है पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए, इस वजह से आपका जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा वर्किंग में आ रहा होता है, जो कि लोग बयान देते हैं कि उनका जो टाइम है करीब 10-11 hours कॉलेज में जा रहा होता है और उतना कॉलेज भी नहीं लग रहा होता है। इस वजह से एक फुल टाइम कमिटमेंट होती तो आप सोच रहे हो कि एक जॉब कर लो या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो इस कोर्स में आके, क्योंकि ये आपका पूरा A to Z मतलब एवरी इंच ऑफ द बॉडी फ्रॉम ब्रेन टू द लेग्स वो सब चीज़ें आपसे अफोर्ड करवा रही होगी वो मास्टर्स डिग्री। एज वेल एज जब एक मास्टर्स कोर्स में आप एनरोल होते हो तो आपके कई दोस्त इवन आपके जो कलीग हैं वो सब एक करियर में ग्रोथ कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द फाइनेंसिस, बेस्ड ऑन द फैमिली, बेस्ड ऑन द पर्सनल एज वेल, और आप यहाँ पर अपनी जो 2 years ऑफ जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहे होते हो, तो एक हल्का सा FOMO दैट इज़ FOMO आ रहा होता है कि ठीक है आप बहुत ज़्यादा 2 साल पीछे चल रहे हो लोगों से, बट वो एक टाइम के बाद रिकवर हो जाता है जब आपके पास एक डिग्री आ रही होती है। बट वो जो 2 साल है जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख रहे होते हो, यूट्यूब में अलग अलग जर्नी देख रहे होते हो, वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर रही होती है। फोमो की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो फोमो आता है बिकॉज ऑफ द जॉब पीपल, बट अगर हम कंपेयर कर लें कि जॉब वर्सेज मास्टर्स में क्या क्या अंतर आ जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जो भी जॉब रहती है वो पर्टिकुलर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रही होती है कि इन हैंड एक्सपीरियंस, बट अगर हम पर्टिकुलरली मास्टर्स की बात करें तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक नॉलेज देने की कोशिश करती है या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिल रही होती बट इट्स कॉल्ड द एक्सपीरियंस एज वेल। पर ये चीज़ बिल्कुल थोड़ी सी गलत हो जाती है क्योंकि जब इनकम की बात करें तो आपकी इमीडिएट सैलरी आने लगती है 1 महीने बाद, जिसमें आप सर्टेन पैकेजेस में बैठे रहते हैं जॉब में, और आप जब मास्टर्स करते तो एक स्टाइपेंड आ रहा होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज 12,400 अलग अलग कोर्सेज के लिए, हो सकता है अलग हो बट इतना स्टाइपेंड आ रहा होता है, और उसके बेसिस पे आपको थोड़ी टीचिंग वगैरह भी देनी पड़ती है फ्रॉम द अलग अलग इंस्टीट्यूट के, अगर वो पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि आपको टीचिंग करवानी है तो करना ही पड़ेगा, और ये अच्छे इंस्टीट्यूट ये चीज़ ज़रूर करा रहे होते हैं। मास्टर्स करने का सबसे बड़ा मोटिव रहता है दैट इज रिसर्च, तो रिसर्च जब आप करने बैठते हो फ्रॉम द मास्टर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होता है, क्योंकि आपको अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर कराया जाता है, इवन आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं रहता कि आप ये चीज़ नहीं जा सकते। बट अगर जॉब की बात करें तो सिंस यू हैव द एम्प्लॉय तो आपको पर्टिकुलर फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कराया जा सकता या फिर रिसर्च नहीं हो सकती। पर्टिकुलर टास्क अगर आप पर्टिकुलर एरिया ऑफ नेटवर्किंग में काम कर रहे हो तो आपको उतने लेवल पर ही आपका एक रिसर्च या फिर एक्स्ट्रा थिंग्स ही होती है, बट मास्टर्स में एक आपको फुली एज बेनिफिट मिलता है कि हाँ आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ ना। इस पॉइंट से मेरे हिसाब से ये सवाल की ज़रूरत तो नहीं है किसको करनी चाहिए मास्टर्स, क्योंकि इतने सारे पॉइंट जो है सवाल जो थे वो सबके आंसर वो देते हुए आए, तो मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं। बट देन टू आई वुड से कि मास्टर्स उनको करनी चाहिए जिनका करियर थोड़ा सा वैसा चल रहा है कि इतनी ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होगी। बट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए
आपको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जाना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और इसके लिए अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है फॉर द ग्रेजुएशन वाला केस, कि आपकी डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही फॉर द पर्टिकुलर कॉलेज, तब आप एक मास्टर्स वाले कोर्स पे आ सकते हो। जब अब मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया फॉर द जॉब वाला सीन या फिर एक्स्ट्रा सीन, तो उनको एक फील्ड समझ आई कि उन्हें स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो कि उनकी जॉब एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है कि ठीक है ये वाली जो जॉब है वो इतना ही लिमिटेड कर रही है बिकॉज दे आर पेइंग फॉर इट, और आपको काम करने के पैसे हो रहे हैं ना कि रिसर्च करने के। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि अब वो मास्टर्स कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर कर रहा है उस फील्ड में और उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर आप भी इस टाइप के व्यक्तियों की स्पेशलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको पर्टिकुलर फील्ड जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तब आपके लिए मास्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन है। ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबल चांसेस कि मास्टर्स करने का एक पॉसिबल सीन ये है कि जो भी 2024 में हुए थे प्लेसमेंट, 2024 में इतना ज़्यादा डिक्लाइन है फॉर द रिसेशन, वॉरफेयर एसेट्रा थे, तो इस वीडियो में एक और रीज़न बन जाते हैं दैट इज़ द प्लेसमेंट वाला सीन, कि इस वजह से आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। पर प्लेसमेंट का आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा बेकार है, तो पूरी डार्केस्ट रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट इस वीडियो में डिस्कस करें। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन की सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।